और जो आम जनता में भावना है ये स्पष्ट है। मैं मुझे इस भावनाओं की पहचान है कि 44 साल मैंने चुनाव लड़ा है। आज आम जनता जानती है और समझ रही है कि शिवराज सिंह जी का ये घोषणा है, जो ये नाटक है, अगर हमने 1000 कहा वो 15000 कहेंगे, ये सब समझ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है मतदाताओं पर, शिवराज को गाने में मैं नहीं हरा सकता, नाचने में मैं नहीं हरा सकता, घोषणाओं में मैं नहीं हरा सकता, झूठ में नहीं हरा सकता, पर मैं उन्हें सच्चाई में हरा सकता हूँ। दमोह में एक स्कूल है, गंगा जमुना स्कूल, उस पे सरकार की जो एक्शन है, कार्रवाई हो रही है, अगर उसके बारे में आपको पता है तो आपको कैसे ठीक लगता है? वहाँ पे स्कूल है, आज उस पर बुलडोजर चल रहा, धर्मांतरण के आरोप, इस तरीके के आरोप इस स्कूल में लगे हैं। बिना सही जांच के किसी बुलडोजर चला दे ये बहुत गलत है, और ये किस लक्ष्य, किस उद्देश्य से किया जा रहा है ये समझने की बात है। इसका सोर्स क्या है, ये क्यों इसमें उलझे हुए हैं? ये बात राजनाथ सिंह जी ने कल प्रियंका गांधी को मौसमी हिंदू बताया कि मौसमी हिंदू आते हैं, पूजा करते हैं, चले जाते हैं। देखिए, ये कुछ भी कहें, इनको पेट में क्यों दर्द होता है अगर हम पूजा करते हैं? अगर मैं मंदिर में जाता हूँ, इनके पेट में दर्द होता है क्या? इन्होंने मंदिर और धर्म का ठेका लिया हुआ है। आए, स्वागत है। वो अपने बीजेपी के नेता हैं, सब आए मैदान में, आए हम भी मैदान में हैं। आज जनता मतदाता बहुत समझदार है, वो जानते हैं कि कोई नाटक नौटंकी से उन पर असर नहीं पड़ने वाला। हनुमान जी की मंत्री, हनुमान जी की गदा थी, उसके क्या मायने थे जौनपुर में, सब जगह दिखी गई वो हनुमान जी की गदा, जगह जगह चारों पर लगी थी? नहीं, वो तो लोकल लोगों ने लगाई थी, वो डेकोरेशन थी उन्होंने। अगर गदा लगाई तो क्यों किसी को परेशानी होती है, मैं समझ नहीं हूँ। आप मेरे से पूछ रहे हैं ये प्रश्न कि आपने गदा क्यों लगाई, अरे आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? शिवराज जी उसके बाद क्या कर रहे हो तुम? शिवराज सिंह जी की दूसरी घोषणा होगी कि स्कूटी के अलावा मैं हेलीकॉप्टर भी दूंगा।